हर कोई गुजरात में स्थित सोमनाथ टेम्पल के बारे में तो जानते ही है, लेकिन आज मैं आप लोगों को जो सोमनाथ मंदिर का दर्शन कराऊंगी वो छत्तीसगढ़ में है। दिस टेम्पल इज़ अबाउट 40 किलोमीटर्स फ्रॉम रायपुर नियर सिमगा एट रिवर कोस्ट। रायपुर छत्तीसगढ़ का कैपिटल है। टेम्पल में एंट्री बिल्कुल फ्री है। स्टील कैमरा या वीडियो कैमरा भी फ्री है। मंदिर दर्शन करने का समय है सुबह 5 बजे से शाम को 7 बजे तक प्रतिदिन। मॉर्निंग आरती का टाइम है 5:30 AM और शाम को 6:30 बजे फिर से आरती होती है। यहाँ 3 फीट की हाइट वाला शिवलिंग है। यही शिवलिंग यहाँ पर सोमनाथ के नाम से जाना जाती है। सोमनाथ का जो शिवलिंग है वो कहीं हजारों साल पुराना प्राचीन शिवलिंग है। ये शिवलिंग एक्सकैवेशन के समय मतलब खुदाई करते समय पाया गया है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर इस मंदिर में भोले बाबा के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है और यहाँ मेला भी लगता है। इस शिवलिंग के बारे में कहा जाता है, तिलकी के आकार से इसकी लंबाई प्रतिवर्ष बदलता है। अभी शिवलिंग करीब 3.5 फीट ऊंचा है। भक्तों का कहना है इसके आकृति पहले 3 फीट था, लेकिन धीरे धीरे शिवलिंग का आकार बदलते जा रहा है। साल में 3 बार ठंड, गर्मी और बरसात के मौसम में इस शिवलिंग का रंग बदलता है। ये शिवलिंग काले, भूरा और हल्का लाल रंग में बदलता है। इस मंदिर में सुंदर सुंदर मृत्यंगनाओं और प्राचीन मूर्ति का भी दर्शन होता है, जिसके चलते ये मंदिर स्थापत्य कला का भी एक निदर्शन बन गई है। मंदिर में शिव परिवार, पार्वती देवी, गणेश जी, कार्तिकेय और नंदी का प्रतिमाएं भी हैं। सोमनाथ मंदिर के पास ही हनुमान जी, श्री कृष्ण, राधा और राम जानकी का भी मंदिर है। इस प्लेस का और एक अट्रैक्शन है, यहाँ खरून नदी और शिवनाथ नदी का संगम है। शिवनाथ नदी के किनारे कुछ फिशरमैन रहते हैं जो टूरिस्ट को अपनी नाव के द्वारा लाना ले जाना करते हैं। मंदिर एक सुंदर पिकनिक स्पॉट है। काफी हरियाली है। यहाँ झूला, स्लाइड और भी बहुत सारे राइड्स हैं, जिसका मजा बच्चों के साथ साथ बड़े भी लेते हैं। फूड कैन बी प्रिपेयर नियर द रिवर कोस्ट। नीड टू कैरी गैस और वुड फॉर फायर। और अगर आपको नॉन वेज कुक करना चाहते हैं तो मंदिर से दूर जाना पड़ेगा।
तो ये था मेरा छत्तीसगढ़ का सोमनाथ मंदिर दर्शन। मैं जितना हो सके आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि मैं और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्लेसेस को आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।